ये जो जानवर आप खरीदेंगे, चार ऐबों से पाक रहना, लंगड़ा नहीं रहना, टांग टूटको नहीं रहना, और बिल्कुल दुबला पतला नहीं रहना, जिसके हड्डियों में गुदा ना हो, पेट जाको पीठ को लग लिया रहता, हड्डियां का कुप्पा उठ ले गया रहता, सस्ते में मिले रहता, उठा ले का रहता, वो चलता नहीं। नंबर चार, अंधा नहीं रहना, आंख फुटको नहीं रहना। और नंबर पांच, नंबर चार, वो जानवर बिल्कुल बीमार नहीं रहना, खारिश लग ले को, खुजली लग ले को, फोड़े पुंसे उठ को, बीमार नहीं रहना, सेहतमंद रहना, मोटा ताजा रहना, लंगड़ा नहीं रहना, अंधा नहीं रहना, बिल्कुल ऐबों से पाक। अच्छा, इनमें सिंह टूटा हुआ नहीं रहना, कान कटा हुआ नहीं रहना। आजकल गवर्नमेंट वाले वो कान में टैग मारती है, पीला टैग गवर्नमेंट की तरफ से, नंबर का टैग मार, वो टैग कोई ऐब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा काट डालती है। हमारे गाया निशानी के तौर पर कान कटा हुआ बकरा रंधे, गाय रंधे, ऊंट रंधे नहीं चलता। बकरा डेढ़ साल मुकम्मल करके दो साल में पड़े रहना, गाय दो साल मुकम्मल करके अढ़ी साल में पड़े रहना, ऊंट पांच साल मुकम्मल करके छठे साल में पड़े रहना। तो इनो दांत, दूध के दांत झड़ा को भैंस के दाता निकाले रहते, वो जो भैंस के दाता असली निकाले रहते ना, वो दांत वाले जानवर ही चलती सो नहीं। कहते मल साहब ये देखने को ऐसे बड़ा दिख रहा है, ये कर सकती क्या? अरे उसके बाला नहीं काटे रहते, देखने मोटा दिखते रहता, लेकिन नहीं चलता, जिजा नहीं चलता। कब नहीं चलता? पूरे हिंदूपुर, पूरे आंध्र प्रदेश में तलाश है तो दांत वाला नहीं मिल रहा, वो इसी सूरत में चलता। मार्केट में जाग देखे दांत वाले बल्लट मिलती, लेकिन ज्यादा पैसे ना आकर तो इन्हें कम पैसा का लाने को वास्ते बाला मोटे हैसो ले काट दिया, वो चलता नहीं। दांत वाला जानवर रहना, चाहे गाय रंधे, बकरा रंधे, ऊंट रंधे, दांत वाला जानवर रहना। और कुर्बानी के पास लोग लाख को काटने के बाद तीन हिस्से करती, एक हिस्सा हमारा, एक हिस्सा गरीबा को, एक हिस्सा खबाबन टंगाने के वास्ते, तीन को पे कर डालते। ये जायज नहीं, कौन सी हदीस में भी लिखो नहीं, कुर्बानी के जानवर के तीन हिस्से करो तुम्हें बाटा बाटी करो, ये कौन सी हदीस में भी नहीं। हाँ, तीन हिस्से की एक बुखारी में हदीस है, वो हदीस किसी और के लिए है, इन्हें कुर्बानी के तीन कुप्पे में लाको फिट कर डाला, वो हदीस कहीं के बारे में है। अल्लाह के रास्ते में एक आदमी जकात निकालता था, जकात निकालता था, अल्लाह उसके खेत को गैब से सैर करता, रास्ते में जाते जाते गैब से आवाज सुनता है, अय बादलों फला इंसान के खेत को सैर करो। इन्हें देखा ऊपर बादला आजू बाजू से जमा हुए बड़े बादला, और वह सब एक पथरीली पहाड़ पर बरसे, वहां से पानी का नाला होते होते एक ही आदमी के बगीचे में पूरा पानी आ गया। इन्हें पूछा किसका बगीचा, ये वही नाम था जो बादलों से उसने सुना था, कहां रहता इन्हें, अरे वहां हिंदूपुर में रहता, सीधा गया मिलने, भाई तेरे तू क्या भाई है, नाम वाला तुम्हारे अब्बा का नाम ये क्या, हाओ तू क्या ऐसा करता मेरे भाई, अल्लाह ताला तेरे बगीचे को बादलों से हुक्म देकर तेरे बाग को सैर कर रहा, तेरे अंदर क्या है। उन्हें क्या बोलिया, जब भी मेरी खेत की फसल निकलती तीन हिस्से करतू मैं, एक हिस्सा मेरे वास्ते खाने, एक हिस्सा गरीबों को बांटने जकात निकालने, और एक हिस्सा आइंदा साल बीज बोने। वो हदीस में जो तीन कुप्पे हैं, वहां के तीन कुप्पे ला कुर्बानी के गोश्त के तीन कुप्पे बना को बिठा डाले लोग, जबकि कुर्बानी के तीन हिस्से करने का किसी हदीस में नहीं। अब एक घर में मरद जरूर रहती, बड़ा गई की बैल की देती है, डेढ़ क्विंटल दो क्विंटल गोश्त पड़ता, अब तीन क्विंटल डेढ़ क्विंटल पड़ा समझो, तीन कुप्पे करे 50 kg मरद जरूर नहीं खा सकते, उन्होंने क्या करेंगे, जत्ता होना काट लेना, बाकी का सब गरीबों को बांट डालना। अच्छा, बांटने के भी हिस्से हैं उसमें, बांटने का भी एक तमीज है, बांटना कैसा बांटना, अदला बदली कर ले, नहीं बांटना, तुम्हें हम ना दे हमें तुम ना देती, उन्हें भी कुर्बानी दे रहा था, इन्हें भी कुर्बानी दे रहा था, इन्हें चुन चुन को उनके घर को कुर्बानी देता जो इसे कुर्बानी का गोश्त बेचता, उन्हें उसका घर का आया क्या, नहीं नहीं आया नहीं, दोनों को से उसके घर का आया तो उसे ले जग दो, उन्हें कोसा लग दिया बकरे का, ए पहले भेजो उसे बकरे का लेने का बड़े का देने का, यानी उनके घर से इनको, इनके घर से उन, अरे ये नमेज नमेज ही है, ये क्या रसम समझी या तुम्हें गोश्त की अदला बदली कर लेने का, ये बांटने का असल गरीबों का हिस्सा ही है, जो कुर्बानी नहीं दिए रहते, जो गरीब रहती उनको लज्जत देना, कुर्बानी करे सोले को नहीं देना, ये जो बांटने का है कुर्बानी नहीं करे सोले को देना, नहीं अदला बदली, उन्हें हमारी शादी में लिफाफा रखा तो नाम लिख को रख लेती, उसकी शादी में हमें लिफाफा रखना, उन्हें आया था खाली खाक बल्ला क्या भी दिया नहीं, उसके शादी में भी क्या भी लिफाफा रखने का नक्को,
उसमें भी अदला बदली, अस्तगफिरुल्लाह। ये नहीं है हदीस में गोश में अदला बदली, ये हिस्से में अदला, ये नहीं है। जो नहीं कर रही उनको, गरीबों को लज्जक देना।